दुनिया के ऑलमोस्ट सभी ऑटोमोटिव ब्रांड्स ये वादा कर चुके हैं कि वो पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को बनाना बंद कर देंगे और फुली इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और इसके अंदर भी कुछ कार मेकर्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं, जैसे कि जैगुआर, जिसने ये बोला है कि वो 2025 तक यानी कि अगले साल तक ही फुली इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कार कंपनी बन जाएगी। अल्फा रोमियो ने 2027 तक फुली इलेक्ट्रिक होने का वादा करा है। क्राइसलर ने 2028 तक, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस ने 2030 तक और ऑडी ने 2033 तक फुली इलेक्ट्रिक कार मेकर बनने का वादा करा है। यानी कि अमेरिका से लेकर यूरोप और चाइना से लेकर कोरिया तक सभी कार मेकर्स ईवीज को लेकर पूरी तरीके से कमिटेड हो चुके हैं, एक्सेप्ट वन, और वो है जैपनीज कार मेकर्स, जहां हमें ऑडी जैसे लग्जरी कार मेकर के पास भी ढेरों इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिल जाती हैं आज की डेट में भी। वहीं दूसरी तरफ जापान की टोयोटा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है, उनके पास अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार है जिसका नाम है BZ4X, और आई एम श्योर इसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। जापान की दूसरी बड़ी कार कंपनी होंडा के भी हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिलते हैं। उनके पास भी अभी सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो कि उनकी ENS सीरीज के अंदर आती हैं, जो कि अभी सिर्फ चाइना और यूरोप के अंदर ही अवेलेबल है। सिमिलरली निसान के पास भी 2-3 इलेक्ट्रिक कार्स ही देखने को मिलती हैं, और मित्सुबिशी और सुजुकी के पास तो अभी एक भी इलेक्ट्रिक कार नहीं है। इनफैक्ट सुजुकी के पास तो अभी तक प्लग इन हाइब्रिड मॉडल्स भी नहीं है। जैपनीज ऑटोमेकर्स अभी फिलहाल जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, उसे देखकर मुझे कोडेक की याद आती है। आप सभी को शायद याद होगा कि जो कोडेक थी वो दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा बनाने वाली कंपनीज में से एक गिनी जाती थी, लेकिन जब मार्केट के अंदर डिजिटल कैमरास की डिमांड बढ़ी तो कोडेक ने इस चेंज को एक्सेप्ट करने के बजाय रील वाले कैमराज ही बनाने पर फोकस किया, और वो आज की डेट में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कोडेक की तरह जिस तरीके से जैपनीज ब्रांड्स अभी बहुत ही ज्यादा स्लो ट्रांजिशन कर रहे हैं, क्या वो इसकी वजह से खत्म हो जाएंगे या फिर उनके पास कोई सीक्रेट प्लान है जो हम लोगों को अभी तक नहीं पता। चलो ये तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आगे पता लगी जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम इन वीडियोस को बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी मेहनत है वो वसूल हो गई। तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही वीडियोस बहुत ज्यादा बना सकें आपके लिए। तो यार अभी जो मैं आपको कोडेक वाला एग्जांपल दे रहा था ना, अगर हम उसी के थ्रू बात करें तो जो कोडेक है और जो जापानीज ब्रांड्स है ना, इनके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये है कि कोडेक ने कभी भी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी के कैमरास को चेंज नहीं किया था। वहीं इसके उलट जापानीज कार मेकर्स हुई दुनिया के अंदर शुरुआती ऐसे कार ब्रांड्स बने थे जिन्होंने मास प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, होंडा ने 1997 में ही अपनी होंडा ईवी प्लस नाम की एक इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया था, और टोयोटा की इलेक्ट्रिक RAV4 1994 में ही लॉन्च कर दी गई थी, जो कि पहले यूरोप में आई थी और बाद में अमेरिका के अंदर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दोनों ही जापानीज ब्रांड्स ने इलेक्ट्रिक कार्स को बनाना पूरी तरीके से बंद कर दिया। दरअसल जिस दौरान ये जापानीज कार ब्रांड्स अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रहे थे ना, ठीक उसी दौरान GM ने भी अपनी पहली मास प्रोड्यूस्ड EV1 नाम की इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया था, और ये गाड़ी पहली इलेक्ट्रिक कार थी जो कि सेल्स के मामले में फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक कार्स के हिसाब से एक काफी अच्छी खासी सक्सेसफुल हो पाई थी। हाँ, बट ऑब्वियसली दिस सक्सेस वाज नथिंग लाइक अ पेट्रोल और अ डीजल कार। खैर जो भी हो, इस पूरी कहानी के अंदर 180 डिग्री टर्न तब आया जब GM ने अपनी NIMH बैटरी यानी कि निकल मेटल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली बैटरी के पेटेंट्स को एक ऑयल कंपनी को बेच दिया, और उस ऑयल कंपनी को बाद में शेवरॉन नाम की एक बड़ी ऑयल कंपनी ने खरीद लिया। एक्चुअली शेवरॉन जैसी बड़ी ऑयल कंपनी का इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में इसलिए था क्योंकि अगर इनके पास इस बैटरी के पेटेंट आ जाते तो वो किसी भी कंपनी को बिजली पर चलने वाली गाड़ी बनाने से रोक सकते थे, जिसके चलते फॉसिल फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती रहती और तेल बेचने वाली कंपनियों की कमाई भी। एंड एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ भी। शेवरॉन कंपनी जो कि अब बैटरी के पेटेंट की मालिक बन चुकी थी, उसने टोयोटा पर केस फाइल कर दिया, बिकॉज एज आई सेड बिफोर टोयोटा भी ईवीज बना रही थी, और उनके अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल हुई थी ना, वो उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी जिसके राइट्स शेवरॉन के पास थे। अब ये लॉसूट्स टोयोटा ने तो फेस करे ही, साथ ही साथ पैनासोनिक और बाकी ईवी बैटरी मेकर्स के ऊपर भी केस किए गए, क्योंकि या तो वो ईवी मेकर्स को बैटरी बनाने वाले कंपोनेंट्स प्रोवाइड करा रहे थे या वो खुद एक बैटरी बनाकर प्रोवाइड करा रहे थे। इन केसेस की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि जो ईवीज के अनसोल्ड लॉट्स थे ना, उनको अमेरिका के अंदर क्रश किया जाने लगा, और यही सब देखते हुए दोनों ही जापानीज ऑटोमेकर्स ने ईवीज बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरीज का साथ उन्होंने पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उन्होंने इसी बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हाइब्रिड कार्स को प्रमोट करने के लिए किया, जिसमें कि पेट्रोल और बिजली दोनों का इस्तेमाल होता है गाड़ी को चलाने के लिए, और क्योंकि इनके अंदर पेट्रोल का भी इस्तेमाल होता है इसीलिए शेवरॉन को इन गाड़ियों से दिक्कत नहीं थी कोई भी। टोयोटा ने अपनी पहली मास प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड कार प्रियस लॉन्च करी, और लॉन्च होते ही ये अमेरिका में छा गई। हर दूसरा बंदा जिसको एक हाईली एफिशिएंट कार चाहिए होती थी ना, वो प्रियस को खरीदने लगा, और आज टोयोटा के लिए प्रियस की लेगेसी इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी है कि अमेरिका के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड कार्स बिकती है ना, उनमें 60% तो सिर्फ टोयोटा द्वारा ही बेची जाती है। टोयोटा अपनी सक्सेस को देखते हुए हाइब्रिड्स को लेकर बहुत ही ज्यादा बुलिश हो गई,
और इन्होंने ईवीज को पूरी तरीके से बनाना ही बंद कर दिया जैसा मैंने पहले बोला। लेकिन वक्त के साथ हमें यह भी देखने को मिला कि जो टोयोटा का स्टांस था ना इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया, इतना कि उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को फ्यूचर की ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी मानने से ही मना कर दिया। अब टोयोटा की ये वाली जो बात है ना, ये एक तरफा लग सकती है क्योंकि ऑब्वियसली उनकी हाइब्रिड्स के अंदर कामयाबी बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर हम उनके इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं ना, तब समझ में आता है कि उनकी बात में थोड़ा दम है। टोयोटा ने ये डॉक्यूमेंट अपने डीलर्स को सर्कुलेट किया था, लेकिन वो ये चाहते थे कि इस डॉक्यूमेंट को आम पब्लिक भी पढ़े, इसीलिए सीक्रेट होने के बावजूद भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। टोयोटा ने इस इंटरनल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ रीजनिंग्स दी हैं जिनके चलते वो ईवीस को सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ तो ईवीस के साथ बेसिक डीलिंग हैसल्स हैं, जैसे कि जो टोटल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ 12% चार्जिंग स्टेशन ही ऐसे हैं जहां पर आपकी गाड़ी 20 से 60 मिनट के अंदर पूरी तरीके से चार्ज हो सकती है, बाकी ज्यादातर जो चार्जिंग स्टेशन है उनमें आपको बहुत ज्यादा घंटे देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर पूरी तरीके से ईवीस पर ही रिलाय करना है तो सिर्फ अमेरिका के अंदर 12,00,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगे, वो भी अगले सिर्फ 5 से 6 सालों के अंदर। इसके अलावा उन्होंने ईवीस की अफोर्डेबिलिटी पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए। उनका मानना यह है कि जब तक एक इलेक्ट्रिक कार एक पेट्रोल कार जितनी अफोर्डेबल नहीं हो जाती, तब तक उनकी कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करी जा सकती है। अब ये जितनी भी बातें थी ना, ये ज्यादातर हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोयोटा ने 1:6:90 रूल का भी जिक्र किया है, और ये पर्टिकुलर जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, ये काफी ज्यादा कंसर्निंग लगी मुझे। देखो, ये जो ईवीस की बैटरीज होती है ना, इनको बनाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो सारे के सारे रेयर एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी तादाद धरती के अंदर कम हो रही है, और एक बार अगर ये खत्म हो गए तो फिर दोबारा इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और ये जो 1:6:90 रूल है ना, ये हमें ये बताता है कि जितने ऐसे रेयर एलिमेंट्स और रॉ मटेरियल्स एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को बनाने में लगते हैं ना, उतने में 6 प्लग-इन हाइब्रिड्स बनाई जा सकती हैं और 90 हाइब्रिड कार्स बनाई जा सकती हैं। सोचो, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार का एनवायरमेंट पर 90 हाइब्रिड कार्स जितना असर है। अच्छा, इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया था कि 2030 तक 300 नई कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट माइंस की जरूरत पड़ेगी अगर हमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाई होना है कार्स के मामले में। तो टोयोटा के इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के ये समझ में आता है कि जो ईवीज है ना, ये एक्चुअली में बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करी जा सकती है रेयर एलिमेंट्स की वजह से। हाँ, बशर्ते ईवीज की बैटरीज को बनाने के लिए कोई और नई जुगाड़ आ जाए जिसमें इन रेयर एलिमेंट्स का इस्तेमाल ना हो, तब तो ये फिर भी सस्टेनेबल हो सकती है, वरना नहीं है एज पर टोयोटा डॉक्यूमेंट। अब शायद यही रीजन है जिसकी वजह से जापान की सरकार ईवीज को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है जिस तरीके से बाकी देश कर रहे हैं, जहां एक तरफ चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन और यूरोपियन सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत सारी सब्सिडीज दे रही हैं, वहीं जापान में इलेक्ट्रिक कार से भी ज्यादा फ्यूल सेल वाली गाड़ियों पर सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि जापानीज गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2035 तक 100% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे, लेकिन इस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर उन्होंने हाइब्रिड्स को भी शामिल किया है, और जापानीज गवर्नमेंट हाइब्रिड्स को फ्यूचर टेक्नोलॉजी मानती है, और उनका आने वाले भविष्य में हाइब्रिड्स को बंद करने का कोई भी प्लान नहीं है, अनलाइक US एंड UK गवर्नमेंट्स। अब क्योंकि जापानीज कार कंपनीज और उनकी सरकार का रवैया ईवीज को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए अब वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के निशाने पर आने लगे हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले ग्रीन स्पेस नाम की एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर उन्होंने टॉप 10 ग्लोबल ऑटो कंपनीज में टोयोटा, निसान और होंडा को लोएस्ट रैंक दी है डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स के लिए, जिसमें भी स्पेशली टोयोटा को डीकार्बनाइजेशन के लिए वर्स्ट का दर्जा दिया गया है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो उनके हिसाब से जापानीज कार मेकर ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। इसके अलावा क्लाइमेट ग्रुप की रिपोर्ट के हिसाब से जापान की GDP डिक्लाइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर वो ईवी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो, क्योंकि जापान की जो टोटल GDP है ना, उसका 89% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आता है, और इस 89% के अंदर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सब्सटेंशियल पार्ट लेकर बैठा हुआ है, जिसमें भी जो ज्यादातर पैसा है ना, वो गाड़ियों को एक्सपोर्ट कर कर आता है, और ऐसे में अगर बाहर के देश हाइब्रिड्स को और बाकी आइस कार्स को बनाने पर ही रोक लगा देंगे तो जापान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और देखा है तो ऐसा ही कुछ होने भी वाला है, क्योंकि ब्रिटेन, इजराइल और सिंगापुर तो ऑलरेडी ये कह भी चुके हैं कि वो 2030 तक ही इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों पर बैन लगा देंगे, और अगर ऐसा होता है तो जापानीज अपनी आइस और हाइब्रिड कार्स को कहां बेचेंगे, ज्यादातर तो उनका एक्सपोर्ट से ही आता है ना, एज आई सेड बिफोर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जापानीज कार मेकर्स ने भी अपना रुख थोड़ा सा ईवीज को लेकर बदला है। हाँ, भले ही अभी वो कुछ खास इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट्स जरूर करी है। जैसे कि टोयोटा ने कहा है कि वो अगले 2 सालों में, यानी कि सिर्फ 2026 तक ही 6 नए ईवी मॉडल्स लॉन्च करेंगे। निसान, जो आज लीफ और आर्या जैसी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करती है, उन्होंने भी कहा है कि वो 2030 तक यूरोप में पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रिक कार्स ही बेचेंगे।
होंडा ने भी अपनी नई ईवी लाइनअप इंट्रोड्यूस करी है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी होंडा जीरो को इंट्रोड्यूस करा है, जो कि एक कम्प्लीटली फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार की सीरीज है जो कि 2026 से प्रोडक्शन में उतरेगी। इसके अलावा मित्सुबिशी, जिनके पास आज एक भी इलेक्ट्रिक कार नहीं है, उन्होंने भी ये बोला है कि वो 4 नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करेंगे जो कि उनके 2035 के 100% ईवी वाले गोल को पूरा करने में मदद करेगी। और अगर हम सुजुकी की बात करें तो बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में अगले साल ही वो एक EVX नाम की फुली इलेक्ट्रिक कार लेकर आने वाले हैं। तो बहुत ये सब देख के समझ में आता है कि मजबूरी में ही सही जैपनीज ऑटो मेकर्स को मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आनी ही होंगी, वरना वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जैपनीज कार मेकर्स का कुछ खास अच्छा रवैया है नहीं EVs को लेकर, इसीलिए वो कभी हाइड्रोजन फ्यूल, कभी फ्लेक्स फ्यूल या फिर कभी अलग टाइप के हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज पर काम करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन EVs डायरेक्टली। लेकिन आप अपने विचार जरूर बताइए, आपको क्या लगता है एज ए कंज्यूमर, क्या जैपनीज ब्रांड्स के ये थॉट प्रोसेस से आप एग्री करते हैं, प्लीज कमेंट्स में बताइए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।